डेंसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी। जमीन हम बढ़ा नहीं सकते, जमीन बढ़ सकते कि कम होती जा रही है। 30-35 साल भी हम पढ़ते थे कि 143 मिलियन हेक्टेयर है, आज भी हम कहते हैं कि हमारे पास 143 मिलियन हेक्टेयर है, यहाँ की कम भी हो गई 138 मिलियन हेक्टेयर। तो जमीन तो कम हो रही है लेकिन भोजन की आवश्यकता अधिक हो रही है, तो हमें उत्पादन तो बढ़ाना है। लेकिन इसमें जो चर्चा की जाएगी सेमिनार में, उसको सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे, सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम्स कैसे हों, बिना भूमि की उर्वरा शक्ति को गंवाए हुए कैसे हम अधिक आमदनी ले सकते हैं। दूसरा पानी की बात हो रही थी, पानी भी जैसे भूमि की बात करूं तो हमारे पास में वर्ल्ड का 2.4% ही जमीन है जिसपे 18% पॉपुलेशन आधारित है, 12% एनिमल पॉपुलेशन आधारित है। और जैसा मैंने बताया, बड़े गर्व की बात है कि हमारे पास 90 मिलियन अभी भी सर। उसी तरह से पानी की बात करें, पानी भी हमारे पास वर्ल्ड का ओनली 4.2% और वो भी कम होता जा रहा है। एक आंकड़ा मैं दूं, 1950 में 5000 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर एग्रीकल्चर के लिए मिलता था पानी, आज वो 1400 रह गया है, यानी कि पानी भी घटता जा रहा है, जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है। तो ऐसे विषयों पर मंथन होना, और शुरुआत कर दी है सरकार ने, अभी जैसे नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है, ये सारे जो मुद्दे चले हैं सरकार ने जो चलाई है योजना, वो इसी चीज को लेके उसकी उर्वरा शक्ति को कैसे बहाल किया जाए। अभी बात हो रही थी फर्टिलाइजर की, फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनकी हमारे यहाँ जो है 20-25% की इफिशियंसी, यानी 100 किलो देते हैं तो उसमें से जो है 75 किलो तो वेस्ट हो जाता है, या वेस्ट होकर वो पानी के जरिए नीचे जाता है तो वाटर पॉल्यूशन होता है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, और ये एवेपोरेट हो जाता है तो जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है। इसी तरह से जो वाटर यूज इफिशियंसी है वो भी 20-25% है, 75% वेस्ट हो जाता है। तो हम इसमें चर्चा हो रही है, देश के स्तर पर हो रही है, और इसमें भी ये मुख्य विषय रखे गए हैं कि वाटर यूज इफिशियंसी को कैसे बढ़ाया जाए, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी, उनको कैसे इसमें लाया जाए जिससे पानी हमारा वेस्ट न हो, उसकी जो यूज इफिशियंसी वो बढ़े, फर्टिलाइजर की यूज इफिशियंसी बढ़े। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की इसमें बात होने वाली है, इसमें स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात होने वाली है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम किस तरह से अपनी सॉइल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। जैसा हूँ कि एक किलो धान पैदा करने के लिए 3000 से 5000 लीटर पानी जो है किसान यूज करता है, और हम जब इसे एक्सपोर्ट करते हैं तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि 30,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट कर दिया, क्या हमने पानी की कीमत उसमें लगाई क्या। तो ये पानी एक अमूल्य चीज है, पहले से ही चल रहा था, लेकिन अब ये महसूस होने लगा है कि बिना पानी के ये आने वाला समय बड़ा संकट का होगा।